इन इंग्लिश मीडियम क्लास केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम। और आप देखिए, हम पहले कर चुके थे टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल जो लास्ट में हमने जो देखा था, टेस्ट ऑफ एल्कोहल टॉपिक देखा था, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल में आपने देखा था कि एल्कोहल जो है वो किस प्रकार से उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। 1 degree 2 degree 3 degree जो है, 1 degree है या 2 degree है या फिर 3 degree, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसके लिए कुछ मेथड्स दी थी मैंने, कुछ टेस्ट दिए थे। फर्स्ट जो टेस्ट था, पहला टेस्ट वो था ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है, ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला जो है वह होता है Z2H2+HCl। और ल्यूकास टेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। इसमें जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी मतलब जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं रहता, आर पार सॉल्यूशन के नहीं दिखता है, टर्बिडिटी आ जाती है, मतलब गदला हो जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ल्यूकास रिएजेंट जो है वह उसके साथ रिएक्शन करने के बाद एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्किल हैलाइड में। और यह एल्किल हैलाइड जो है यह सोल्वर नहीं होता, वाटर सोल्वर नहीं होता है, इसलिए सोल्वर न होने के कारण टर्बिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? टर्बिडिटी। मेरी बात पर ध्यान दें यहां पर, नोटिस दैट ल्यूकास टेस्ट जो है उसमें हमने देखा ल्यूकास रिएजेंट जो वो है Z2H2+HCl। Z2H2+HCl जो है वह एल्कोहल को चेंज कर देता है इसमें एल्किल हैलाइड। और ये एल्किल हैलाइड जो है वो सोल्वर नहीं होता, वाटर सोल्वर नहीं होता है, इस कारण से इस रीजन से टर्बिडिटी आ जाती है। इस रीजन से क्या जाती है? टर्बिडिटी। अब ये कितना फास्ट रिएक्शन करेगा उतनी फास्ट टर्बिडिटी आएगी। तो एल्कोहल जो है यह SN रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? SN। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, थोड़ा आप शॉर्ट में ले रहा हूँ। SN रिएक्शन होती है, तो SN रिएक्शन जो हो 3 degree Celsius फास्ट देता है। तो 3 degree जो हो उसमें टर्बिडिटी फास्ट ले आ जाती है, तुरंत आ जाती है, फास्ट आ जाएगी, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। 3 degree एल्कोहल में टर्बिडिटी सबसे फास्ट आती है, 2 degree में उससे कम और 1 degree में सबसे कम। 3 degree में फास्ट आएगी, 2 degree में आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी आएगी नियरली अबाउट, और 1 degree में रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी आती है, इसलिए इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इनका टेस्ट हो जाता है। और 1 degree 2 degree 3 degree अलग अलग कर लेते हैं, ये हम कल देख चुके। नेक्स्ट टू विक्टरमेयर टेस्ट। नेक्स्ट टू जो है वो हम देखेंगे विक्टरमेयर टेस्ट। विक्टरमेयर टेस्ट इसमें आप देखोगे कि पहले हम क्या कर रहे थे, विक्टरमेयर टेस्ट जो है उसमें पहले हम आयोडाइजेशन कर रहे थे, मतलब एल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह आयोडीन जो है या आयोडो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर रहे थे। उसके लिए हम फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ। और उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि आयोडो एल्केन बन रहे थे, आयोडो एल्केन। फर्स्ट स्टेप में हम आयोडो एल्केन बना रहे थे, फिर सेकेंड स्टेप में हम नाइट्रो एल्केन बना रहे थे, फिर थर्ड स्टेप में हम उसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे नाइट्रस एसिड की। और 1 degree जो था वो तो बना रहा था नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। थोड़ा मैं रिपीट कर दूं तो आपको ध्यान आ जाएगा और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे से तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। नाइट्रोलिक एसिड 2 degree जो है वह सूडो नाइट्रो बना रहा था, सूडो नाइट्रो। इसी वे में सोडोनाइट्रो बना रहा था यहाँ पर। और 3 degree जो है वह आप पिछला वीडियो जो है वो अच्छे से देखोगे
रिवर्स करके अच्छे से उसे स्टडी करोगे उसकी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां पर नाइट्रोलिक एसिड बन रहा था, कहां पर शुगर नाइट्रोल बन रहा था और कहां पर रिएक्शन हुई नहीं हुई थी, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती नहीं क्लोरिएशन। तो ये यहां तक आपको मैं बता चुका था। अब आगे इनका टेस्ट जो वो भी हमने किया था, नाइट्रोलिक एसिड जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोलिक एसिड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हम एनएओएच में सॉल्वल किया था, हमने सॉल्वल इन एनएओएच सॉल्यूशन, इन दैट कंडीशन रेड कलर आर अपीयर, रेड कलर जो वो आ जाता है, इस कंडीशन में ब्लू कलर अपीयर, ब्लू कलर आर अपीयर और इसमें कलर बेस, कलर बेस। तो नेक्स्ट जो है हमने ये देखा, पहले विकास टेस्ट, सेकंड विक्टोरिया टेस्ट, ये हमने कल कर दिए, ये हमने कल कर दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड टेस्ट जो है वो है करते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू हम नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करेंगे। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है पहले तो ये बता दो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नोन बाय एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि एल्कोहल की एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वह इसकी एसिडिक नेचर को शो करती है, कौन सी नेचर को, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को शो करती है, एसिडिक नेचर को शो करती है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है मोर एसिडिक होता है, 2 डिग्री उससे लेस और 3 डिग्री जो है एल्कोहल वो सबसे लेस होता है, सबसे लेस एसिडिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल जो फास्ट रिएक्शन करेगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन फास्ट देगा, 2 डिग्री एल्कोहल स्लो देगा, 3 डिग्री एल्कोहल इससे भी स्लो देगा, वेरी स्लो देगा। तो इससे हम इजीली इजी वे में हम इस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। अब आप एक चीज थोड़ा सा और नोटिस करें इसमें कि ये आप क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है, 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, 2 डिग्री उससे लेस एसिडिक क्यों होता है, 3 डिग्री सबसे लेस क्यों होता है। तो ये मैंने आपको जनरली बता भी दिया है, दोबारा एक बार रिवाइज कर दूं कि एसिडिक नेचर में प्रोटॉन के निकलने के बाद, प्रोटॉन के निकलने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में लेस होती है और 3 डिग्री में वेरी लेस होती है। तो इसका ही रीजन है। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू हम इजी वे में इजीली क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की ओर, फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो यहाँ पर वो भी आप नोटिस कीजिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों कैसे आइडेंटिफाई करती है। अब हम इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो सिमिलर 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर सिमिलर एल्डिहाइड बनता है, सिमिलर एल्डिहाइड बनता है। कैसा होता है ये सिमिलर, सिमिलर मतलब उतने ही कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 1 डिग्री एल्कोहल एज वेल एज एल्डिहाइड। तो ये सिमिलर एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिमिलर बन जाता है, ये द्विवे में ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन। और इसका बहुत ही फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा
और यह बनाएगा सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। तो आप ध्यान दीजिए, इस बात पर रिएक्शन से पहले करवा चुका हूँ, केवल आपको इसमें टेस्ट ऑफ एक्वल भी करना है, आइडेंटिफिकेशन करना, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो टेस्ट ऑफ एक्वल में आइडेंटिफिकेशन आपका आइडेंटिफिकेशन जो वो देखिए, तो उसमें आप प्रोडक्ट पर थोड़ा सा नोटिस कीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, इजीवे में करते हैं, और आगे ऑक्सीडेशन होता है तो सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन फॉर्म करते हैं, कीटोन कैसे होते हैं, सिमिलर, सिमिलर कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल सिमिलर कीटोन बनाते हैं, जो आगे ऑक्सीडेशन पर लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आप नोटिस करें, और रिएक्शन जो हो पीछे की वीडियो आप रिवर्स करके देखें, पीछे की वीडियो जो है वो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उन्हें कॉपी में उतार करें। नेक्स्ट 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन, देखें ये ऑक्सीडेशन भी इजी था, ये भी इजी था, ये इजी था लेकिन ये हार्ड, इसमें ये पहला ये भी हार्ड है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसा होगा, हार्ड, और जो कीटोन बनेंगे, कीटोन जो बनेंगे वो लेस कार्बन वाले बनेंगे, सिमिलर बनेंगे, लेस बनेंगे, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका मिक्सचर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर होगा। अब आप आगे भी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो भी हार्ड होगा, और लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में, मिक्सचर बता देता हूं आपको, लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेस कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो इस वे में हम आसानी से ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हैं उसके थ्रू आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री होगा तो कीटोन बनेगा ही, टोटल एल्डिहाइड होगा, और सिमिलर है, और सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे ऑक्सीडेशन होगी, 2 डिग्री है तो कीटोन की प्रेजेंस जरूर होगी। अब आगे ऑक्सीडेशन करवाओगे तो लेस कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा, मतलब टूटेगा ये, 3 डिग्री एल्कोहल और हार्ड होगा, 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन पहले से ही हार्ड होगा, दूसरी स्टेप भी हार्ड होगी, और साथ में कीटोन जो होगा लेस कार्बन वाला होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड टोटल में करेंगे तो मिक्सचर जो होगा वो हमें प्राप्त होगा, उसके अपीयरेंस जो है वो मिक्सचर होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैथड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड, नेक्स्ट मेथड एस्टिफिकेशन रिएक्शन मेथड विक्टोमेयर टेस्ट के थ्रू। तो ये मेथड जो हमको भी आप ध्यान रख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन क्लासेस में आप जरूर इन्हें कंफर्म कर लें। नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो हम देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मेथड। और ये मेथड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ,
और यह मेथड जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वे में हम इनका आइडेंटिफिकेशन जो हो कर सकते। देख लीजिए एक बार 1 डिग्री एल को हल, 1 डिग्री एल को हल का हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड। डिहाइड्रोजनेशन कॉपर मेटल पर 573 केल्विन टेंपरेचर देखते हुए इसे पास आउट करते हैं एल्कोहल वेपर को, तो उस कंडीशन में क्या होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे 2 डिग्री एल्कोहल वेपर को पास आउट करते हैं 573 केल्विन टेंपरेचर ऑन कॉपर मेटल, कॉपर मेटल के ऊपर से पास आउट करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल को तो फॉर्मेशन होता है किसका कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल इसे पास आउट करते 573 केल्विन टेंपरेचर पर पास आउट करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका और एल्कीन बन एल्कीन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन ये तो बन गए, हम इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है एल्कीन के बारे में, तो 11th में एल्कीन आ चुकी है। अनसैचुरेटेड जो होती है वह डिसाइड की जा सकती है किससे, ब्रोमीन वाटर जो है उसको कलरलेस कर देती है अनसैचुरेटेड, मतलब पाई बॉन्डिंग या पाई अनसैचुरेशन जो है वो क्या करेगा कि ब्रोमीन वाटर जो उसका ब्रोमीन वाटर इस पर एडिशन शो करेगा और एडिशन शो करेगा तो क्या होगा एडिशन होगा ब्रोमीन वाटर जो कलरलेस हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन वाटर जो है वह ऐड हो जाएगा तो उसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा। कीटोन और एल्डिहाइड इनकी पहचान कैसे करें, तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डिटेल से भी देखोगे इसे। अब भी मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड जो है वो टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट इनके साथ रिएक्शन देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनसे, जबकि कीटोन का इनसे ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिएक्शन नहीं करते हैं ये, तो इस रीजन के कारण कीटोन और एल्डिहाइड बहुत इजी वे में अलग अलग किया जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन दोनों किया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वेट के बाद आप नेक्स्ट लेसन 12 जो है वो आप देखोगे तो उसमें आप एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका भी सेपरेशन जो है वो इजी वे में कर लोगे और एल्डिहाइड जो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया डिहाइड्रेशन होने का। तो ये था आपका टेस्ट ऑफ एल्कोहल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में लुकास टेस्ट देखा हमने, एक बार लाइटली मैं रिवाइज कर दूं एक साथ, लुकास टेस्ट देखा तो लुकास टेस्ट में आपने देखा था कि सॉल्युबिलिटी नहीं है एल्किल हैलाइड की, स्थान से टर्बिडिटी आ जाती है, क्या होती है टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी जो है फास्ट आती है 3 डिग्री में और 5 मिनट आफ्टर आती है 2 डिग्री में और रूम टेम्परेचर पर नहीं आती है 1 डिग्री में, तो टेस्ट अलग अलग हो जाएगा और एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। विक्टरमैन टेस्ट जो है वो आपने देखा था 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो कलर देता है रेड, लास्ट में स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं तो पहले तो हम हाइड्रोएल्केन फॉर्मेशन करते हैं, फिर हम उसका नाइट्रोएल्केन में कन्वर्ट करते हैं उसे, फिर हम नाइट्रस एसिड से नाइट्रोलिक एसिड बना लेते हैं और उसके बाद जब हम उसे एनएच से सॉल्व कर सकते हैं तो उस कंडीशन में रेड कलर जो है वो दिया जाता है किसके थ्रू, वह दिया जाता है 1 डिग्री के थ्रू, और जो ब्लू कलर है वो 2 डिग्री के थ्रू, और जो लास्ट और तीसरा है कलर लेस जिसमें नाइट्रस एसिड रिएक्शन ही नहीं करता है वो 3 डिग्री के थ्रू, तो विक्टरमैन टेस्ट जो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखते हैं और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह दो बार आपका उत्तर वाला। एसिडिफिकेशन रिएक्शन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एसिडिक नेचर की रिएक्शन है, इसलिए 1 डिग्री सबसे फास्ट करेगा, 2 डिग्री उससे लेस और 3 डिग्री जो सबसे लेस रिएक्शन करेगा, और 1 डिग्री जो हम फास्ट एसिडिफिकेशन करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा 3 डिग्री सबसे लेस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है उसमें मेथड में देखिए आप, ऑक्सीडेशन जो है वो करवाने पर जो प्रोडक्ट उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके थ्रू हमारे पास जब इजीवे में क्या प्राप्त हो जाता है, इजीवे में हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। नेक्स्ट और लास्ट है भी हाइड्रोजनेशन, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजनेशन पर एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री एल्कीन बनाते हैं। ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देते हैं इसमें इंडस्ट्रियल यूज वाले एल्कोहल। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूजफुल एल्कोहल, इंडस्ट्रियल यूजफुल एल्कोहल, तो उसके लिए हम पहला एक देखेंगे, तो फर्स्ट मेंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेथनॉल। कौन सा एल्कोहल? मेथनॉल। फॉर्मूला इसका आप जानते हो, CH3, पहले बता चुका हूं मैं आपको 11th में भी। इसके नोमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो जनरल नेम है वो एथिल एल्कोहल के थ्रू लिखेंगे, तो जनरल नेम क्या हो जाएगा? जनरल नेम जो है इसका वो हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। एक कार्बन वाला एल्कोहल है इसके मेथिल एल्कोहल। ट्राइवेलेंट नेम, यहां पर आप ध्यान दें, ट्राइवेलेंट नेम जो है वो कौन से नेम थे जो पास्ट में जिस तरीके से पहले इसे ऑब्टेन किया गया, बनाया गया, फॉर्मेशन इसका किया गया, उसके अकॉर्डिंग ट्राइबल नेम दिए जाते थे। तो ट्राइबल नेम जो है वो इस तरीके हम देखें तो इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त किया गया था, लकड़ी जो है उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसका फॉर्मेशन किया गया था, इसलिए इसे वुड स्प्रिट का वुड स्प्रिट इसे कहा गया। तो ये इसका ट्राइबल नेम। आईपीसी में मैं आपको पहले बता चुका हूं और बता दूं, एक कार्बन के लिए एल का नाम हो जाएगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ऑल, मेथेनॉल इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो ये इसके जनरल नेम, ट्राइबल नेम और आईपीसी नेम। ठीक है, इसको फॉर्मेशन जो है इसको इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे किया गया, तो पहले पास्ट में तो इसे वुड स्प्रिट कहा गया, तो जाहिर सी बात है इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑफ वुड से इसे फॉर्म किया गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल यूजफुल एल्कोहल, तो इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन इसका कैसे किया जाता, तो इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन करने के लिए वाटर गैस, इलेवन में आपने देखा था CO प्लस H2 गैस को हमने कहा था वाटर गैस, वाटर गैस, और ये वाटर गैस जो है ना ये कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस, वाटर गैस, और वाटर गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस जो है उससे इसका फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है इंडस्ट्रियल वे में। तो आप इसे देखिए, इसके फॉर्मेशन के लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, कंडीशन हाई अप्लाई करनी पड़ेगी, 573 केल्विन तो हमें टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और प्रेशर जो है वो नियर अबाउट या अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे पास आउट करना पड़ेगा ऑक्साइड ऑफ कॉपर CuO, ऑक्साइड ऑफ जिंक ZnO एंड ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम Cr2O3 के ऊपर से इसे पास आउट करना पड़ेगा वाटर गैस को, तो फॉर्मेशन हो जाएगा मेथनॉल। यहां पर हम इसे बैलेंस करने के लिए दो मोल ले लेते हैं CH3OH, मेथनॉल, मेथनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेथनॉल जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा। कैसे होगा,
वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस जो है उसे आप पास आउट कीजिए हार्ड कंडीशन में 573 केल्विन टेंपरेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ऑक्साइड ऑफ जिंक, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम एज ए कैटलिस्ट। पास आउट करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल जो है वह हो जाएगा। तो ये आप इजीवे में इसे देख सकते हो कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। तो मेथनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल एल्कोहल, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते, प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल एल्कोहल, प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो कलरलेस है, लेब में आपने देखा भी होगा कलरलेस होता है, कलरलेस एंड वोलेटाइल, मतलब आसानी से वेपराइज होने वाला वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कलरलेस एंड वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये कलरलेस और वोलेटाइल लिक्विड है। नेक्स्ट आप इसकी प्रॉपर्टीज ये भी देखें तो कंप्लीटली सोल्युबल, कंप्लीटली सोल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर यह है पूरे तरीके से सोल्युबल है, आसानी से पूरा का पूरा सोल्युबल है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो 337.5 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका रिलेटिवली डेंसिटी जो है, रिलेटिवली डेंसिटी जो है वह इसकी होगी 0.795 ग्राम एमएमएस, ये इसकी रिलेटिवली डेंसिटी जो है वह जनरली होगी। इसकी और नेचर के बारे में देखिए तो एक टॉक्सिक नेचर का होगा और टॉक्सिक नेचर का होगा, और इसके यदि हम इसे एज ए बीयर लें और इसे पी लेते हैं तो एज ए ड्रिंक ले लेते हैं तो यह कम मात्रा में लेस क्वांटिटी में लेते हैं तो यह ब्लाइंडनेस इन लेस क्वांटिटी, ब्लाइंडनेस अंधापन जो है वो उत्पन्न कर देता है, और इन हाई क्वांटिटी ये रीजन ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण डेथ हो जाती है हाई क्वांटिटी में लेते हैं, तो इसे टॉक्सिक नेचर होती है इसकी और ये होता है। यह एक इजीली बर्निंग लिक्विड है, एज ए सॉल्वेंट भी इसे काफी किया जाता है, इसका यूज जो वो देखेंगे आगे हम, तो इसके नेचर के बारे में यदि हम देखें तो ये होगा एज ए इसे डीनेचराइजेशन ऑफ एल्कोहल में भी यूज किया जाता है, एथेनॉल जो उसका भी नेचराइजेशन करते हैं तो उसमें भी इसे लिया जाता है। आप देखते हैं इसके यूजेज, यूजेज के बारे में देखते हैं, यूजेज इसके यूज क्या क्या है, यूजेज देखते हैं इसके। तो इसके यूज जो है वह एज सॉल्वेंट काम में लिया जाता है, एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है इसे। इसका यूज जो है वह है
इन लेबोरेटरी इन लैब या लेबोरेटरी जो है वो भी इसे यूज किया जाता है। लैब में कैसे कैसे थोड़ा सा ध्यान से इसे नोटिस करें इस बात को कि लैब में इसे यूज किया जाता है एज ए प्राइमरी रिएक्टेंट। तो प्राइमरी रिएक्टेंट के रूप में भी वो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज होता है, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, लाइक फॉर्मिक एसिड, तो इस प्रकार के या अदर इंटरनल मेथड के थ्रू तो बहुत सारे इसके यूज हैं लैब में। और लैब में इसे स्प्लिट लैंप वगैरह में भी काम में लिया जाता है। लैब में इसे आप देखोगे बहुत सारे इसके यूजेज हैं। और उसके बाद एज ए सॉल्वेंट इसे काम में लिया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से इसके मनी यूजेज हैं जो आप इस वे में देखोगे। ठीक है, अब इसके बाद मेथनॉल जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एथनॉल लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन क्लासेज में डिस्कशन कर लेना, लिख करके रख लेना। प्रॉब्लम वैसे ध्यान नहीं रहेगी आपको, जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो आप लिख करके रखते रहें साथ के साथ। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल यूजफुल एल्कोहल जो है वह है एथेनॉल। एथेनॉल फॉर्मूला जो है इसका वो होता है C2H5OH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है, यदि हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3CH2OH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके नोमेनक्लेचर के बारे में यदि देखें तो इसका जनरल नेम जो है वह एल्केन से लिखेंगे हम तो जनरल नेम जो है वो दो कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, टू कार्बन एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसे एथिल एल्कोहल जो है वो जनरल नेम दिया गया है। इसका ट्राइबल नेम जो है, ट्राइबल नेम पर आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, इसे जो ग्रेन है अनाज जो होता है ग्रेन उससे उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसे सर्व पहले बनाया, पहले जो इसका प्रोडक्शन था वो किया गया था, इसको पहले फॉर्म किया गया था, इसलिए इसे ग्रेन स्प्रिट जो है वो नाम दिया गया है। कौन सा ट्रायल नेम जो हो इसका ग्रेन स्प्रिट है, इसका एथेनॉल का ग्रेन स्प्रिट इसका ट्रायल नेम है। और एथिल एल्कोहल जो मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ एल्किल एल्कोहल, तो एथिल है एल्किल ग्रुप और एल्कोहल बता के आपको बता दिया गया है। IUPAC नेम जो है इसका वो दो कार्बन के लिए एक प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स और एथेनॉल है, और इसके जो नेम है वो ये है। अब इंडस्ट्रियल यूजफुल एल्कोहल जो हम पढ़ रहे हैं, हम तो इंडस्ट्री में इसे किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, तो इसके लिए दो मेथड हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम नेक्स्ट क्लासेज जो हैं उनमें देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे स्टार्च से मोलासस मतलब जो चीनी के क्रिस्टल निकालने के बाद जो केम जूस है उसमें से यदि हम शुगर क्रिस्टल निकाल देते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसे मोलासस कहते हैं। और ये सब हम मोलासस से और स्टार्च से कैसे बनाते हैं इसके लिए हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।